सो लेडीज एंड जेंटम वेरी वाम वेलकम टू मॉड्यूल वन एटी सिक्स लर्निंग इन नॉलेज सोसाइटी ये मॉड्यूल बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं जे इसको एक्डेमिकली एक चीज के साथ जोड़ना है वो ये कि हमने इसको इकनॉमिक पेब को देखते हुए हमने नॉलेज सोसाइटी को भी देख लिया और फिर हमने इसके सोसाइटल एस्पेक्ट्स को देखते हुए कल्चरल और एंथ्रोपोलॉजिकल और बाकी सारी डायमेंशनस को देखा लेकिन इसको स्टडी करने वाले लोगों में से कौन थे जिन्होंने इसको आहिस्ता आहिस्ता एक सोशल स्ट्रक्चर और सोशल कल्चर का एक सिस्टम बनाने की कोशिश की आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसको आप अलग अलग साइकोलॉजी डिपार्टमेंट को रेफर कर देते हैं कहा कि जी दो जो ये तशद है या रेप केसेस हैं या बाकी मामला हैं या वायलेंस है ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ रहे हैं ड्रग्स का प्रॉब्लम आ रहा है फिर ये सारे के सारे साइकाइट्रिस्ट जो हैं उनको उनको हील अप करने की कोशिश करते हैं उनके सिंपथेटिक बिहेवियर्स की कोशिश करते हैं लेकिन ये मसले तो हल नहीं हो रहे यही प्रॉब्लम्स होंगे और इससे भी ज़्यादा साइकोटिक लोग जो हैं वो ऐसे गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर रहें तो वो सीधे हो जाते हैं चाइना के अंदर नहायत ही साइकोटिक क्रिमिनल माइंडेड लोग थे और उन लोगों के ऊपर जब गवर्नेंस आई है तो उसका स्ट्रक्चर सीधे हो गए नॉट अ सिंगल रेप केस एक भी फाइल नहीं हुआ इतने जमाने से फिर इसके साथ वहां हंगामा क्यों नहीं करते वहां चोरियां डाके डालने से पहले डरते क्यों ए आई टेक्नोलॉजी गवर्नेंस नो छूट किसी को जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा आप पकड़े गए आपको शूट एट साइट होगा आपकी गवर्नेंस और पॉलिसीज मजबूत होंगी आपकी प्रोसीजरल मामला बेहतरीन होंगे आपका बड़ा आदमी आकर आपको छुड़वा नहीं सकेगा जो बड़े आदमी के केसेस जल्दी होंगे और गरीब आदमी का केस अदालत में लगा रहेगा ऐसा नहीं होगा सो लर्निंग इज़ फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सोशल एस्पेक्ट जिसको ह्यूमनटेरियन इकनमिक कहते हैं ह्यूमनटेरियन अंडरस्टैंडिंग कहते हैं इंसानी हकूक के तहफ़ की बात की थी मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि दास क्या या मार्क्स साहब जो हैं वो 1818 से लेकर 1883 तक रहे उनके जो इतना बड़ा काम है उसको फिक्स कर दिया सुरखों ने और उनका जो है वो लाल ग्रुप वगैरह के लोगों ने और उसको फिक्स कर दिया शेर व शायरी के साथ उसको फिक्स कर दिया गया हकूक़ के साथ उसको वो एक तबला बजाते हैं ये तबल बजाते हैं शोर शराबा और हंगामा एजिटेशन सड़कों के ऊपर एहतजाज इससे मंसूब कर दिया गया लेकिन कार्ल मार्क्स का जो इकनॉमिक स्ट्रक्चरस के डिज़ाइनर उसका इकोनॉमिक इकोनॉमिकम जो था वो तो पढ़ा ही किसी ने नहीं, नहीं हमारी तो आई ही नहीं मई एक, एक को एक्सट्रैक्ट करना था क्योंकि वो एंटी नारेटिव लिख रहे थे कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म का कि जो रुथलेस की तरफ जा रही है जनि सोसाइटी में एक परसेंट आदमी मजबूत तर होगा हुक्मरान तर होगा होंगे और हैव नॉट नाइनटी नाइन परसेंट हो उनका उन्होंने एंटीडॉट लिखा था उन्होंने जब एंटी नारेटिव लिखा था तो समझना चाहिए था कि कंपेलिंग जो मीशत है इकोनॉमिक्वेजन है उन्होंने बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ लिखी होंगी लेकिन वो तो हिस्सा लिखा ही नहीं गया फिर जो जज्बाती हरकत थी और जज्बाती मामला थे ये तो ऑब्वियसली जज्बात तो आते हैं लेकिन सिर्फ ह्यूमेटेरियन ग्राउंड के ऊपर आपने लिखा लेकिन स्ट्रक्चर बात को माइनस कर दिया यहां पर देखिए जी क्या मार्क्स ने वो लिखते हैं किल्डम थे See also Fach in 2016 to affect the knowledge would be blow capitalism sky high. Then Konsalio Elme discussed the emergence of the learning society in tandem with the knowledge economy that proposed that in the learning society, individuals from firms and organizations are not merely consumers, but actively and continuously seek to nurture, manage and harvest their knowledge assets. उन्होंने बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कहा जो आपके वर्कर्स हैं वो आपके पार्टनर्स हैं आपके नॉलेज पार्टनर्स हैं आप उनके आप उनको साथ आप उनके साथ स्टॉक्स शेयर करें आप उनके साथ चीज़ों को शेयर करें आप विज़न को अलाइन करें विज़न शेयर करें आपके वो मुलाजिम नहीं है और आपके सिर्फ और सिर्फ खैराती ग़ुलाम नहीं है आपके साथ आजादाना सलूक करें और आपके साथ कंपनी बोनसेस को, को उसी तरह शेयर करें विजन को उसी तरह शेयर करें नेक्स्ट आपने क्या टारगेट्स लेने है? अगर आप प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं तो इनकी सैलरीज भी बढ़ाइए और अगर आप सैलरीज नहीं बढ़ा सकते तो अपने विजन को अपने तक महदूद रखेंगे तो आप डिक्लाइन की तरफ जाएंगे तो डिक्लाइन का सारा का सारा चीजें आप अपने एम्प्लॉज में मत डालिए पाकिस्तानी सेठ का कल्चर क्या है फायदा हुआ तो जो सोच थी वो मालिक एक मालिक की अजीम तर सोच थी जब नुकसान हुआ तो इस सारे के सारे चोर थे नीचे वाले तो दिस आपको इसमें से निकलना पड़ेगा आपको फौरी तौर में इससे निकलना पड़ेगा दैट्स कॉल्ड द ब्लेम गेम अच्छा इस ब्लेम गेम से कैसे निकलेंगे जी द सिचुएशन रिलेटेड टू लर्निंग एंड इन क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड राइट हैज विद आवर सोसाइटी वर्क हैबिट सो फर्मली दैट इवन एन एवरेज पर्सन मस्ट रिवाइज देयर नॉलेज फ्रीक्वेंटली फॉर टेकिंग एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड पेनिट्रेटिंग इन लाइफ यहां पर मैं एक और बात करना चाहूंगा जी ठीक हो गया जी डिजिटाइजेशन बढ़ गई है लेकिन इंसान ऑप्सलीट नहीं होते आई कैन बेट यू एक आदमी है और बेशुमार जगह मैंने देखे अकाउंटेंट वो जो सफ़े के ऊपर छोटा छोटा लिख कर हज़ारों का करोड़ों खाते जो एक ही पेपर पे वो समा जाते हैं और ऑफ टोटल जो वो बनाता है वो इतना ज़बरदस्त रिजल्ट उसके अंदर से निकाल के देते हैं कि टैक्सेशन एफ बी आर उनमें से कैसे किसको मैनेज करना है ये कंप्यूटर नहीं कर सकता आप उनकी नॉलेज को ज़ाया मत कीजिए आप उनके लिए काम कीजिए उनके लिए बेहतरीन सिस्टम्स बनाइए लेकिन आप एक्सपीरियंस और डिजिटाइजेशन और इस दुनिया के अंदर इंसानों को करने से बचाइए इंसान ऑप्शलीट नहीं होंगे इंसान चीजें नहीं हुआ करते तो उनके स्किल्स को इस्तेमाल करें उनके एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करें और अगर आपको एक्सपोजर ज्यादा है तब भी एक्सपीरियंस के साथ अपने आप को रिलेट रखिए आजकल नस्ल एक और आ गई तो इंडस्ट्री में जैसे ही आते हैं तो अपने बाप दादा के तीस साल पुराने लोगों को पहले निकालते हैं और फिर इंडस्ट्री चलाते निकाल लेते हैं फिर उनको वो पड़ती है तो फिर जब इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाती है तो फिर वही दादा वापस आता है और उनको माइनस से निकालता है सो ट्राई टू लर्न दिस नॉलेज इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव आर क्लियर देन इज द नॉलेज एन लर्निंग प्रोसेस देन इज द हाउ नॉलेज एंड लर्निंग सिस्टम हेयर गोस विद द विदर्सेस केसेस टूल्स टेक्नोलॉजी वेर इज द

सो दिस इज हाव द नॉलेज सोसाइटी बिग्न विद बट आप ये याद रखिए इंजीनियरिंग भी हो जाएगी डिज़ाइन भी हो जाएगा कॉन्टेक्ट्स भी हो जाएगा इंस्ट्रक्शंस भी हो जाएंगी बट इम्पॉर्टेंट पार्ट यह है कि आप इन सारी चीज़ों को कंपोज कैसे करते चीज़ों को कम्पोज करना सीखिए एक्सट्रीमिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज आर नेवर बीन द राइट चॉइस फॉर एनी थिंग थैंक यू वेरी मच